आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में, और जिस तरीके से मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, हम आपको बता दें कि ये कोई खुशी का त्यौहार, खुशी का समय नहीं होता है, ये एक गम का त्यौहार ये लोग मनाते हैं। इस तरीके से गमी के रूप में इसको मनाते हैं, काले कपड़े पहनकर ये लोग गमी को मनाते हैं। और हम आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन अपने 72 अनुयायियों के साथ जिस तरीके से उन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उस तरीके से उनका कत्लेआम कर दिया गया था। उन्हीं के ये समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के ये परिवार के लोग हैं, ये अपना अंश मानते हैं उनको, और उन्हीं के अनुयायी ये इस त्यौहार को, हम कह दें कि इस गम के त्यौहार को, इस गमी को एक जुलूस के रूप में मनाते हैं और जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये कोई खुशी का समा या खुशी का जुलूस नहीं है, ये मुहर्रम का एक जुलूस निकाला जा रहा है। किस प्रकार से अपने उनके अनुयायी, इमाम हुसैन के अनुयायी, पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी इसको, गमी को अपने ही अंदाज में, अपने ही तरीके से बयां करते हैं, जुलूस निकाल कर बयां करते हैं।